लोग जो भगवान को दिल में रखते हुए विज्ञान को सब कुछ मानते हुए ज्योतिष को समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को, और वाकई में एक रिसर्च को पाने के लिए अपना आप देना चाहते हैं, अगर ऐसे कोई लोग हों तो वो मेरे बच्चे को अपना नाम ज़रूर लिखाए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उनके साथ मिलकर के रिसर्च में हम एक टीम ऐसी बनाएं जो इस दुनिया को और बहुत बड़ा विज्ञान दे सके। बहुत सारा रास्ता तय कर लिया है, लेकिन उस तय किए हुए रास्ते के अंदर कभी कभी और खोज करने को मन करता है कि कुछ और ऐसे बहुत बड़े दिमाग के लोग आएं कि जो इस रिसर्च को कहीं का कहीं ले जाए। कारण ये कि ये अब अगर ये शुरू हुआ है चक्र, ये रुकना नहीं चाहिए, ये बहुत आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी धरोहरें अंग्रेज मिटा गए, अफगानी मिटा गए या ये मुग़ल मिटा गए। अब नहीं चाहता कि जितनी अब और खोजें हुई हैं, बहुत मुश्किल से और हुई हैं, ये अब मिटनी नहीं चाहिए, ये अब हमारे बच्चों के हाथ में जानी चाहिए ताकि ये पूरे विश्व में दोबारा फैल सके। okay? अब यहाँ आए हैं, दिल की बातें भी कर ली, आशीर्वाद भी ले लिया, श्री नानक जी का भी और श्री चंद जी का भी, नानक देव जी के पुत्र। एक बहुत बड़ी बात मेरे गुरु श्री लेखराज जी ने मेरे को बताई कुछ थोड़ी देर पहले ही। उन्होंने कहा कि जीडी जितने मर्जी काम कर ले, जब तक तू योगों को नहीं समझता और जब तक योग ना आपस में जुड़ते हो तब तक ज्योतिष बेकार है। और मैंने पहले ही योगों पे काम कर रहा था, इसीलिए तो इतनी स्टडी करके इतना बड़ा विज्ञान बना करके दुनिया को देने के रास्ते पे निकला। लेकिन उसके साथ में जब उन्होंने मुझे बहुत खास खास किताबों के नाम बताए और जब मैंने उनके अंदर जाकर के देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं जहां ये सोच रहा था कि बस अब मेरी दौड़ और इतनी थोड़ी सी और थोड़ी सी और, मेरे को तो बाद में पता चला कि हजारों कोस का सफर अभी भी बाकी है, हजारों कोस का सफर। इतना कुछ मिला, उसमें से जो बहुत जल्दी अभी ये 3 फरवरी को ये आपको मिल जाएगा, वो ये मिल जाएगा कि किस इंसान को जीवन के कौन से दौर के अंदर कौन सी बीमारी आएगी, ये लिखित में आएगी वहां पर कि ये स्किन प्रॉब्लम होगी, ये कैंसर होगा, या ये यहाँ मूत्राशय संबंधी दिक्कत होगी, जुबान से संबंधित होगी, सर से संबंधित होगी, क्या होगी, ये लिखित में आएगी। ये जब मुझे लेखराज जी ने वो ज्ञान दिया, उन किताबों के नाम बताए, तब ये संभव होगा, उससे पहले इतना संभव नहीं था। और ये योग क्या क्या कर सकते हैं, इनको जब मैंने आजमाना शुरू किया तो स्टीकता इतनी बढ़ गई कि जो मेरी अपॉइंटमेंट सिर्फ 2-3 महीने की हुआ करती थी, लोग आज 8वें महीने में भी अपॉइंटमेंट लेने को तैयार बैठे, कहते हैं बुक आज ही कर लीजिए, ये हालात। और जब तक लाल किताब की इस स्टीकता को आप नहीं पाते तब तक आप अपने आप को बेशक काबिल समझें लेकिन अपने मन से पूछ के देख लिए काबिल नहीं हो पाते। मैं भी कभी आपके जैसा ही था, मैं भी जब टीवी के ऊपर श्री वश जी को देखता था, इनके साथ और भी एस्ट्रोलॉजर आते थे, मैं तब यही सोचता था इन्हीं को जाके गुरु धारण करूंगा, और तब इनकी फीस उतनी होती थी जितनी मेरे जेब में भी नहीं होते थे। लेकिन बहुत जिदपन से माता रानी का आशीर्वाद, भोलेनाथ को पूछ पूछ के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सब किया। लेकिन योगों की बात करते हैं, अभी एक बात हो रही थी केतु की, केतु कितना अच्छा है ये तो आपने जाना, लेकिन एक केतु का बहुत ही बुरा योग भी है। और वो बुरा को योग क्या है, आप देखते हैं ना कि हम यात्रा करने गए, परमात्मा के दर्शन करने गए, खाई में बस गिरी, सारे खत्म हो गए, हवाई जहाज पे गए, हवाई जहाज क्रैश हुआ, सारे मर गए। ये खतरनाक केतु ये काम करता है, ये कब करता है, ये कर्म करता है जब शुक्र और केतु छठे घर के अंदर हो
और मंगल और राहु 12वें घर के अंदर हो तो ये उस जातक की कुंडली का योग होता है कि ये परिवार नहीं तो परिवार से बड़े कुंबे को लेकर के खाई में गिरेगा और मरेगा। ये इतना गंदा योग, लेकिन ये सिर्फ एक योग है। लाल किताब के अंदर अगर आप अरमान और फरमान पढ़ेंगे तो वहां एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि केतु अगर जिस ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, केतु जिस ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल रहा है उस ग्रह का फल को वो बहुत खराब करेगा। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि केतु लगन में बैठा हो और 7वें घर के अंदर 5 ग्रह हो और 5 ग्रहों के पहले अलग अलग फल खराब और उसके बाद कॉम्बिनेशन के फल खराब, ये किसने लिखना? ये आज तक किसी ने लिखा नहीं, लेकिन परमात्मा ने चाहा तो अगले साल आप सबको ये लिखा हुआ मिलेगा। योगों की बात करें तो लाल किताब एक बात बोलती है कि जिस जातक का बुध अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिस जातक का बुध खराब उसका सब कुछ खराब, सब कुछ। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत हमारी बुद्धि से होती है। बुध अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी होगी, बुध तेज चलाक होगा तो बुद्धि तेज चलाक होगी। और चलाक शब्द बुरा नहीं है बेटा, हर कामयाब इंसान को चलाक हुए बिना कामयाबी मिल ही नहीं सकती, बस वो अपनी चलाकी को मीठेपन के जामे के अंदर पहना के चलता है, इतना ही फर्क है। और जब आप किसी को चीट करने के लिए चलाकी कहते हैं तो उसका चलाकी वाला वो वाला भाव समझ आता है। तो कामयाब हर इंसान लगभग चलाकी है, उसका बुध अच्छा है और पहले बुद्धि बाद में। हमारा शरीर, हमारा पूरा शरीर नसों के ऊपर खड़ा है। अगर ये हमारी हड्डियों पे खड़ा होता तो ये कब का गिर गया होता, कभी भी हड्डी टूटे और बेकार हो जाएगा। लेकिन हड्डी यहाँ टूट भी जाए तो शरीर बेकार नहीं होता। इसीलिए पूरी लाल किताब के अंदर एक ही चीज समझाई गई है और वो है बुध। और बुध अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। बुध का परम मित्र राहु, जब तक ये बुध राहु को इजाजत नहीं दे देता कि तू पॉजिटिव करंट निकाल या नेगेटिव करंट निकाल, तब तक कुंडली में बिल्कुल जान नहीं। बुध अगर अच्छा होके बैठ भी गया और राहु खराब हुआ, बुध अच्छा होके बैठ भी गया और राहु खराब हुआ, तो बेटा ऐसे में इंसान